सोलन के कुनिहार में पूर्ण राज्यत्व दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान स्कूलों और विभिन्न विभागों ने अपनी उपलब्धियों को झांकियों के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित जनसमूह ने भी खूब लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुब्बारे छोड़कर प्रदेश में शांति और भाईचारे की कामना की। मुख्यमंत्री ने कुनिहार की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को अटल आदर्श विद्या केंद्र बनाने की घोषणा की और खेल मैदान को विकसित करने के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम के साथ राज्यत्व दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है और लगातार विकसित प्रदेश होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में हिमाचल की जनता का विशेष योगदान है और उन्हें उम्मीद जताई कि भविष्य में भी हिमाचल की जनता का साथ उन्हें यूं ही प्राप्त होता रहेगा। उन्होंने ये संकेत भी दिए कि जल्द ही कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी जाएगी और उनकी मांगें भी पूरी की जाएंगी, जिसका खुलासा विधानसभा सत्र के दौरान किया जाएगा। समारोह यहाँ कुनिहार में मनाया गया, अर्की विधानसभा क्षेत्र में, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत गर्मजोशी के साथ लोगों ने इसमें भाग लिया। और मैं प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिमाचल की प्रगति के लिए सबका सहयोग चाहूँगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल बहुत तेज गति से एक विकसित प्रदेश होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और उस दृष्टि से जहाँ नेतृत्व का अपनी एक भूमिका रहती है और उसमें जनता का बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहता है, जनता से मैं यही निवेदन करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में, जहाँ हम एक बात कह रहे हैं कि शिखर की ओर हिमाचल, उस दृष्टि से आप सबकी शुभकामनाएं और आपका सहयोग अपेक्षित है, आपका सहयोग मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी 2019 में भी इसी प्रकार से सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपकी सरकार को एक साल हो गया जी, आप समय समय पर कर्मचारियों को सौगातें देते रहे, इस बार भी कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीदें थी, तो क्या बजट सत्र में? अभी इस बार का बजट सत्र समय से पहले है थोड़ा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी बाद में, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो है वो बजट सत्र में शामिल हो रही है, बजट के सत्र में होंगी। जब प्री बजट की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा घोषणाओं पर काम नहीं। थैंक यू।